सभी को नमस्कार। जय रोहिल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं बहुत ही ध्यान देने वाली वीडियो है, शायद ये आपका सिलेक्शन करवा सकती है और ये सिलेक्शन रुकवा भी सकती है। हमारे पास मेल आए थे कि सर काफ़ी रूमर्स फैल रहे हैं कि वार्डर के लिए इतने पैसे मांग रहे हैं या फिर सुपरिटेंडेंट के लिए इतने, फुट कॉन्स्टेबल के लिए। देखो ये जो पैसे मांग रहे होते हैं ये एक्चुअली एक रिस्क लेके आपसे पैसे लेते हैं, लेकिन आप किसी को पैसे ना दें, अपनी मेहनत पर यकीन रखें। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इन चीज़ों को अवॉइड करवा सकते हैं किसी और से भी। देखो सबसे जो पहला पॉइंट है वो होता है फ़ोन और ब्लूटूथ लेके जाना। अगर आपको लग रहा है आपके सेंटर पे किसी के ब्लूटूथ लगा हुआ है या फिर कोई एक कान को जैसे कवर करके कुछ सुनने की कोशिश करे, तो तुरंत अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करें। हो सकता है कि वो जो लास्ट रैंक आपकी एक मार्क से छूट गई है, वो जो है कैंडिडेट जो ब्लूटूथ लेके आया है वो आपसे आगे निकल जाए। तो ये आपकी ही सतर्कता होगी जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो इसमें जो है बोर्ड कभी भी घपला नहीं करवा सकता। वो होता है जो ऑनलाइन सेंटर जो होते हैं वो उनकी मिलीभगत से ही कुछ होता है। तो आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कितने तरीक़ों से चीटिंग की जा सकती है और आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। देखो आजकल सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, फिंगरप्रिंट वेरीफिकेशन। आपके वो फिंगरप्रिंट वेरीफिकेशन के बाद वो कैंडिडेट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिए जब आप एंट्री कर रहे हो या फिंगरप्रिंट जब करवा रहे हो तो आपके आगे और पीछे कौन लड़का है और उसकी क्या सीट नंबर है और उसके आसपास क्या वही है जो फिंगरप्रिंट जिसने करवाया था वही आपके साथ बैठा है। अगर आपको लगे कि जिसने फिंगरप्रिंट करवाया था सीट नंबर 15 पे वो नहीं है तो तुरंत उसको सुपरवाइजर को बताएं ताकि उसको पकड़ा जा सके, चाहे वो कोई भी हो। नेक्स्ट है, ठीक है, अदर पर्सन कैन हेल्प ड्यूरिंग एग्जाम्स। देखो एग्ज़ाम के टाइम में अगर कोई दूसरा उसको आगे कोई चिट देता है या उसको कोई हेल्प करता है या फिर मनमानी सीट पर बिठाता है, मानिए आपकी आपकी सीक्वेंस जो है वो 1 से 15 तक है, आपको ऐसा लगा कि जो 12 सीक्वेंस का जो लड़का है वो वहाँ से उठा के और वो किसी अलग रूम में या फिर किसी कॉर्नर रूम में या किसी सेफ सीट पर अगर बिठा दिया है तो आप उसका ऑब्जेक्शन कीजिए और तुरंत उसको इन्फॉर्म कीजिए। इफ़ कैंडिडेट फ्रिक्वेंटली ट्राई टू गो आउटसाइड, इट मीन्स कि अगर वो टॉयलेट जाने की कोशिश कर रहा है या फिर वो एक ऐसा टाइम ढूंढ रहा है जिसमें वहाँ जाके आंसर की ले आए या फिर कुछ ऐसा काम करें कि जिससे उसको एग्ज़ाम में हेल्प मिले, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप उस पर ही ध्यान दो, सभी पर ध्यान दो, ये होती है जस्ट अवेयरनेस। आप अपने एग्ज़ाम पर कॉन्सेंट्रेट करें लेकिन जो साथ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उस पर एक नज़र ज़रूर रखें और उसका जब भी विरोध करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। एनी अदर मीन्स में क्या होता है, अगर आपकी स्क्रीन हैंग हो रही है बार बार, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली किसी ने जो है कंप्यूटर हैक किया हो या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है, आप उसको तुरंत सुपरवाइज़र को बुलाएं और कहें ऐसा क्यों हो रहा है और आपके साथ हो रहा है या फिर किसी और कंप्यूटर के साथ भी हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप ज़रूर इन्फॉर्म करें क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर बहुत लिमिटेड है, सीट बहुत लिमिटेड है, तो आपकी सतर्कता ही आपको सिलेक्शन दिलवा पाएगी, इस बात को ध्यान रखें। लुक अराउंड योर सेल्फ, एनी पर्सन यू लुक डूइंग स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ देन नोटिस एंड इफ श्योर देन रिपोर्ट। इट मीन्स अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा पर्सन कोई अजीब सी एक्टिविटी कर रहा है या फिर जैसे बार बार वो पैर में कहीं हाथ लगा रहा है या फिर कुछ भी ऐसा कि आपको लगे कि हाँ कुछ हाइड कर रखा है उसने, तो तुरंत उसको ऑब्जेक्शन कीजिए। ये मत सोचे रहे मेरा थोड़ी ना कोई वो लग रहा है, मैं क्यों बोलूँ। नहीं, देखो हर कैंडिडेट जो भी फेक है, डमी है या जो चीटिंग कर रहा है वो सब आपकी सीट को खा जाएंगे, इट मीन्स आपकी सीट को वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये जो सारे मीन्स हैं ये तो मैंने जो है नॉर्मल मेरे पास कंप्लेंट आई है कि सर वो कोई कह रहा है कि फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन तक हम आपको लेके जाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको रिप्लेस कर देंगे। ऐसे रूमर्स बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, मैं कोई स्पेसिफाई नहीं करना चाहता किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को या किसी ऑनलाइन सेंटर को, लेकिन देखो आपको पता है एसएससी सीजल का भी अभी जो है रिसेंटली चल रहा है, उसमें भी पेपर लीक हुआ है 2017 का, जो इतना बड़ा केस हुआ था आप सभी को पता होगा। ठीक है, सो यू ऑल आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, सो वट इज़ इम्पोर्टेंट, यू मस्ट सुपरवाइज योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। अपने आप को सुपरवाइज़ करें कि मेरी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वही सभी की होनी चाहिए। अगर आपको सेंटर पे कुछ भी ऐसा लगता है या कोई भी ऐसा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं तुरंत या फिर हमें बता सकते हैं। प्लीज़ सबको एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और ये वीडियो सबके पास पहुँचाइए जिसका भी एग्ज़ाम है, अभी 16 को एग्ज़ाम है, 18 को, 28 को है, ताकि जो चीटर हैं जो कोशिश भी कर रहे हैं उनको भी ऐसा लगे कि हाँ अब हर एक स्टूडेंट सुपरवाइज़र है, सब ध्यान रखेंगे।
तो इससे क्या होगा कि जो भी मिनिमम सीट्स हैं 70, 80, 90, 100 जो भी सीट्स हैं पोस्ट कोड में, उस पर आपका हक आपका ही होगा अगर आपने मेहनत की होगी तो। ठीक है, ये वीडियो मुझे नहीं लगता किसी को व्यर्थ लगेगी कि या कोई इसको डिसलाइक करेगा, वही डिसलाइक करेगा जिसको लगेगा कि मेरे पैसे मरेंगे या फिर मैं जुगाड़ करने वाला था, नहीं होगा। सो इसको क्रिटिसाइज़ मत करना, इसको एक पॉजिटिव वे में लेना, अपने सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना ताकि हर एक अपने सेंटर पर अवेयर रहे और सभी को मेहनत का रिजल्ट निकले। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम देके अपना रिव्यू ज़रूर बताना आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि एक फेयर एग्ज़ाम हो सके। मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए हैं कैसे कैसे क्या चेंजिंग हो सकती हैं, तो कोशिश कीजिएगा इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए।